हाय नमस्ते मेरा नाम मिताक्षरा कुमार है मैं एक डायरेक्टर हूँ हमेशा वैसे मैं कैमरा के पीछे रहती हूँ लेकिन आज मैं कैमरा के सामने आई हूँ अपनी कुछ एक्साइटिंग कहानियाँ लेकर मुझे लगता है कि माई हैज बीन अ ब्लेसिंग आई हैव एंटर दी इंडस्ट्री वॉचिंग सर्स वर्क यस आई वॉज एम एंड विल ऑलवेज रिमेन हिज नंबर वन फैन गर्ल बट uh, वहाँ से लेकर आई थिंक भगवान की कृपा है माई पेरेंट्स हैव बीन इट्स देयर ब्लेसिंग दैट आई हैव अचीव वॉट आई हैव अचीव एंड टूडे आई एम हेयर एंड आई फील लाइक आई एम लिविंग अ ड्रीम एंड आई विश दिस ड्रीम डिस कंटिन्यूज लाइक दिस मैं एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड से हूँ फिर मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ा और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने एलएसआर एस आर में ड्रामसॉक होता है ड्रामेटिक सोसाइटी मैंने ड्रामसॉक ज्वाइन किया उसके लिए भी आपको ऑडिशन देने पड़ते हैं देन दे सेलेक्ट तो वहाँ सेलेक्ट होते हो तो लगता है कि वाह कितनी बड़ी बात हो गई है तो फर्स्ट ईयर में मैंने एक्टिंग की सेकेंड ईयर में भी की थर्ड ईयर में मुझे स्ट्रीट प्ले डायरेक्ट करने का मौका मिला और स्ट्रीट प्ले मैंने डायरेक्ट किया हम लोग बिट्स पिलानी गए आईआईटी पवई गए बहुत सारे कैंपस में हम लोगों ने जीता उस प्ले के साथ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और ऑब्वियसली वो सब लोग बोलते हैं कि वाह ने क्या काम किया तो बड़ा अच्छा एक लगता है सबसे बड़ी आइसिंग ऑन द केक था कि जो शीला दीक्षित थी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की उनसे मुझे कॉलेज प्राइज मिला फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदी थिएटर तो आई थॉट कि चलो थिएटर करते हैं देन टोल्ड मी कि यू नो थिएटर इज नाइस आई लव थिएटर आई वेरी पैशनेट अबाउट थिएटर लेकिन मेरे को ऐसा बताया गया कि थिएटर सस्टेन शायद आप नहीं कर पाओ और मेरे को एक्टिंग करनी नहीं थी तो थिएटर डायरेक्शन के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता था मेरी एक टीचर ने मेरी इकोनॉमिक्स टीचर ने मुझे बताया एफ करके एक जगह है जहाँ फिल्म मेकिंग सिखाई जाती है मैथ सिखाया जाता है साइंस सिखाया जाता है इकनॉमिक्स सिखाया जाता है लेकिन फिल्म मेकिंग सिखाई जाती है मुझे पता नहीं था तो एफ़ टी गई मैं कैंपस देखा मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैंने एग्ज़ाम दिया रिटर्न क्लियर हो गया इंटरव्यू में गए इंटरव्यू क्लियर हो गया एंड देन आई जॉइंड एफ टी आई आई वहाँ से डायरेक्टर बन गए माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स हैव ऑलवेज बिन विद मी आई थिंक आई एम बीन वेरी वेरी लकी इंस्टीट्यूट से आने के बाद ही मेरी एक फ्रेंड है जिसका एक फ्रेंड ब्लफ मास्टर पे काम कर रहा था दे वॉन्टेड एन ए डी फॉर पोस्ट एंड ब्लफ मास्टर बहुत बड़ी पिक्चर थी रोहन सिप्पी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं तो मेरे को लगा मैं बीस साल की थी बीस साल की उम्र में किसी को इतनी बड़ी फिल्म पर काम करने का मौका मिले तो मिल गया मुझे मैंने काम किया वहाँ से मैंने ऑनर को ज्वाइन किया उनकी पिक्चर बस एक पल बन रही थी वहाँ मैं एज अ इंटर्न जॉइन किया आई स्टार्ट एज एन इंटर्न आई एंडेड अप एज अ कॉस्ट्यूम मेडी एज अ सेकेंड सेकेंड बस फिर वहाँ से जर्नी चलती रही चलती रही मैंने बहुत सारी फिल्म की बीच में 2015 में मेरे को एक मेरे एफ टी आ के क्लासमेट का कॉल आया बोला कि अरे तू हमेशा मिस्टर भंसाली के साथ काम करना चाहती थी करेगी ऐसे देख कोई सवाल हुआ मैं कल जाके करूंगी जो कर रही हूँ वो सब छोड़ के करूंगी तो 2014 के एंड में मैं सर से मिली थी बाजीराव की शूटिंग चल रही थी उस वक्त एंड ही said आप क्या कर रहे हो अभी तो मैंने बताया मैं ऑनिर की दूसरी फिल्म कर रही थी उस टाइम शब करके एक फिल्म थी ऐसे सर उसका एक शेड्यूल बचा है बट अगर आप बोलें तो मैं ऑनिर से एंड मैंने ऑनर से एक्चुअली बात कर ली थी ऑनिर हार्ट सेट कि इतना बड़ा आपको मौका मिल रहा है यू मस्ट टेक इट अप वील फिगर आउट क्योंकि उसकी तीन चार दिन की शूटिंग बची थी बट वैन आई टोल्ड संजय सर उन्होंने बोला नहीं जो कर रहे हो फिल्म वो ख़त्म करो उसके बाद आ हमें ज्वाइन करना तो मैंने वो ख़त्म की लेकिन जब मैंने वापस फोन किया तो दे हैड ऑलरेडी गॉट अनदर एडी एंड मेरे को लगा चलो ये मौका गया मेरा देन आफ्टर टू मंथ्स आई सडनली गॉट अ कॉल सिंह क्या आप कल से ज्वाइन कर सकते हो एंड आई इज लाइक ओके एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज आई पिक अप द फ़ोन आई कॉल माई फादर एंड आई वॉज लाइक पापा गेस्ट करो आप किससे बात कर रहे हो तो ही इज लाइक किससे से आई सित संजलीला भंसाली की चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर से एंड देन इट्स आई थिंक उसके बाद की जर्नी सबको पता ही है अब तक नो एक्चुअली वी वर्किंग ऑन इनशाला सो येस आई वॉज़ वर्किंग ऑन विथ सर ऑन दैट वो किसी वॉट एवर रीजन से नहीं हो पाई फिर गंगू बाई पर भी हम लोगों ने काम शुरू किया गंगूबाई की शूट के एक महीने पहले मुझे दी एम्पायर के लिए निखिल अडवाणी के ऑफिस से कॉल आया बिकॉज मुनीषा अडवाणी मुझसे मिल चुकी थी मेरे हस्बैंड uh, उनके शो में लीड एक्टर थे पी ओडब्ल्यू में उसकी पार्टी में मैं उनसे मिली थी एंड शी रिमेम्बर्ड मी इवन आफ्टर टू एंड हाफ थ्री ईयर्स सो so, उन लोगों ने मुझे बुलाया अगेन आई वेंट टू संजय सर मैंने बोला सर मुझे मौका मिल रहा है क्या करूँ सर ने बोला आपकी एज है दिस इज अ टाइम यू शुड स्टार्ट डरेक्टिंग उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि पूरा शो करने को मिल रहा है कि कुछ एपिसोड मिल रहे हैं तो मैंने बोला सर पूरा शो करने को मिल रहा है सो ही गेव मी हिज ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे बहुत प्यार के साथ भेजा एंड ही टोल्ड मी कि ये तुम्हारा घर है जब तुम्हारा मन करे ये दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं कम बैक आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव इन दिस कंट्री ही इज अ फिल्म स्कूल देर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम मेरे लिए वो मेरे आइडल हैं इन टर्म्स ऑफ हिंदी सिनेमा अगर हम बात करें क्योंकि एज अ डिरेक्टर हाउ आई सी हिम मैं उनको भगवान के साथ का दर्जा देती हूँ इन टर्म्स ऑफ हिस क्राफ्ट तो दैट्स हाउ आई सी हिम येस एंड नो बिकॉज एवरी एक्टर इज डिफरेंट हर एक्टर का एक टेक्निक होता है कोई बिलीव करते हैं रिहर्सल्स में कोई बिलीव करते हैं रीडिंग्स में कोई होते हैं जिनको कॉस्ट्यूम ट्रायल पर उन कमिंग टू कैरेक्टर कोई एकदम स्पॉन्टेनियस होते हैं जो सेट पर आके दे जस्ट डिलीवर द बेस्ट तो उस मामले में येस आई हैव टू अडेप्ट माई सेल्फ टू देयर वेज बट आई थिंक एक बार सेट पे आने के बाद आई एम द सेम डायरेक्टर एंड दे एवरी वन इज एन एक्टर फॉर मी माई क्राफ्ट डज नॉट चेंज बिकॉज देर आर एक्टर्स देर इज होल टीम देर आर राइटर्स एज ए डी ओ पी देर आर आर्ट डायरेक्टर्स असिस्टेंट साउंड टीम इतनी सारी टीम्स होती हैं तो आई एज अ डायरेक्टर एम द सेम फॉर एवरी वन हीरा मंडी ही नहीं uh, संजय सर कि आप किसी भी सेट पे आप अपनी गाड़ी में से उतरते हो लेकिन जब आप सेट पे कदम रखते हो तो आप एक अलग दुनिया में पहुँच जाते हो वो सेट को सेट की तरह नहीं बनाते हैं ही एक्चुअली बिलीव दट दैट इज द वर्ल्ड ही क्रिएट्स द वर्ल्ड तो बहुत पेंसटेकिंग होता है बहुत ज़्यादा इनडेप अनालिस किया जाता है बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है एंड सर के साथ साथ उनके जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स होते हैं डी होते हैं उन सब का एक विजन होता है कि कैसे इसको हम अचीव करेंगे एंड हैट्स ऑफ टू अमिदा एंड शुभुदा जो बहुत टाइम से सर के साथ एसोसिएटेड हैं आई थिंक दे आर द फाइनेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर्स वी हैव इन अ कंट्री वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड एक एक छोटी ईंट में भी ना उस सेट पे जान होती है हर चीज़ में एक पर्दे में जान होती है एवरी फर्नीचर इज़ सिलेक्टेड कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो वहाँ आउट ऑफ प्लेस होती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है हर चीज़ को एक इंसान तो इंसान चीज़ों को भी वहाँ पे इज़्ज़त दी जाती है इसलिए वो सेट मेरे हमेशा स्पेशल रहता है और ये मैंने सर से सीखा है और मैंने यही कोशिश की थी एम्पायर में भी दैट्स वाई आई थिंक द सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स ऑफ एम्पायर वल्सो सो टॉक्ड अबाउट बिकॉज एक स्टूडेंट का काम ही ये होता है कि अपने टीचर से सीखो और लाइफ में उन लेसनस को आगे जाकर इस्तेमाल करो तो मैंने वो किया और आगे भी करती रहूँगी नहीं, नहीं नहीं मैं सर की मैंटोर कभी हो ही नहीं सकती हूँ वो मेरे मैंटोर हैं जैसा मैंने पहले भी कहा था गुरु गुरु रहता है शिष्या शिष्या रहती हैं और सर को किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है जबकि हाँ वो एडवाइस लेते ज़रूर है आई विल ऑलवेज़ से उनका बहुत ही कोलाबरेटिव एफर्ट होता है जो हिज फिल्म मेकिंग इज़ वेरी कोलाबरेटिव वो हर इंसान की सुनते हैं एंड uh, मैंने उनसे सिर्फ सीखा है और उनसे सीखती ही रहूँगी एंड ऐसा कुछ नहीं है फ़र्स्ट शो हो या सेकेंड शो हो वो इतने सालों से वो बीस पच्चीस साल से फिल्म मेकर हैं मेरे को भी दो तीन साल हुए हैं तो मैं उनको सिखाने की कैपेसिटी में ना आज हूँ ना कभी रहूँगी ही ऑलवेज बी माई टीचर

सो so, बिब्बो का टॉर्चर अलग दिन पे शूट हुआ था आलमजेब काटराइट को मारने जाती हैं वो अलग दिन पे शूट हुआ था फिर जो एग्जैक्ट एकदम क्लाइमैक्स है जो वॉल पे आके दोनों तरफ एक तरफ बिब्बो है एक तरफ बाकी औरतें हैं वो अलग दिन पे शूट हुआ था सो एज़ अ डायरेक्टर टू कीप द इमोशनल ग्राफ एंड द ग्राफ ऑफ द स्टोरी गोइंग वो चैलेंज था एंड फिजिकली चैलेंजिंग एक सीन था एपिसोड थ्री में वली पार्टी था तो मेरे को एक बुखार था उस दिन एंड वो हमने तीन दिन शूट किया था एंड सर वॉज वेरी वेरी काइंड Uh, पहले दिन वो एक्चुअली आए थे सेट पे बिकॉज मेरी बहुत बुरी हालत थी तो ही वॉज देयर बाय माई साइड एंड वैन ही सॉ दैट ओके शी इज़ ओके एंड द नेक्स्ट डे वॉज फाइन ही लेट मी बी एंड या फिजिकली दैट वॉज चैलेंजिंग एंड अदरवाइज आई कैन नॉट से एनी सीन वॉज अ केक वॉक द डे आई एज अ डायरेक्टर स्टार्ट सेंग की काम केक वॉक है तो आई थिंक मेरे को काम बंद कर देना चाहिए चैलेंजेस आते हैं तब भी हम बेहतर काम करते हैं ये गलत है Uh, पहली बात मेरे को लगता नहीं है किसी भी डायरेक्टर के पास ये पावर भी होनी चाहिए या कोई होती भी है कोई करता भी है स्क्रिप्ट एक राइटर लिखता है स्क्रिप्ट में कैरेक्टर का कितना रोल है कितना आना है जाना है वो एक राइटर तय करता है जो राइटर ने स्क्रिप्ट लिखी है उसको एग्जीक्यूट करना एक डायरेक्टर का काम है एंड वट एवर इज़ ऑन द पेपर हैज़ टू करेक्टली कम ऑन द स्क्रीन सो आई डोंट थिंक इट्स राइट किसी को हम ज़्यादा स्क्रीन स्पेस दे देते हैं कभी कभी हाँ ये होता है कि स्पेशली इन द सीरीज़ एक कैरेक्टर है जो आपने लिखा छोटा था लेकिन वो कैरेक्टर जब आप देखते हो सीन वो बहुत इम्पैक्टफुल uh, हो जाता है देन वी ऑफकोर्स वर्क अराउंड दैट एंड वी ट्राई एंड इंक्लूड दैट कैरेक्टर मोर तो वो होता है बट आई बिलीव एवरी वन वर्क्स टू मेक द प्रोजेक्ट द फिल्म द शो बेटर दैट इज़ द मेन एम देखिए शार्मिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर आई थिंक शी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल फॉर कमिंग आउट एंड स्पीकिंग आई थिंक उसने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया है उससे ज़्यादा मैं उसमें क्या ही ऐड करूँ वॉट शी हैज़ गॉन थ्रू एंड वॉट इम्पैक्ट इट हैज़ हैड ऑन हर That she should speak about. I can't add anything more to that. But I think it's a sign of a very good actor and a very uh, good human being that she's taken everything in her stride and she's uh, moving on. बाप रे, अब तीन सौ दिन में से ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे चूज़ करना। तो मैं हमेशा एक ही सीन एंड अप कर जाती हूँ, रिपीट करती रहती हूँ। एक्चुअली हर सीन में ना कुछ ना कुछ हैप्पी एक्सीडेंट होता ही है आई थिंक फिल्म मेकिंग इज अबाउट लिटिल बिट ऑफ मैजिक एंड यू गो ऑन सेट एवरी डे एंड फाइंड दैट मैजिक सो वो जो मैजिक आपको रोज मिलता है वो एक हैप्पी एक्सीडेंट होता ही होता है बहुत सारे सीन्स हैं कभी हमने कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया तो वो उससे कुछ एक कैरेक्टर खिल जाता है जैसे एक सीन है जो बहुत जगह वायरल हुआ जो मनीषा मैम ने अपनी आँखों पर ईयर रखे थे तो वो वाला जो सीन था उसमें दैट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट इट वॉज जस्ट दैट शी वॉज सराउंडेड बाई हर ज्वेलरी एंड वो उनके वोल्ट में होने वाला था एंड हमने बोला चलो ऐसे करते हैं थोड़ा यू नो लाइक थोड़ी वो मेगलोमेनी काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है शी इज पावरफुल शी इज पावर ड्रिवन सो लेट्स शो हर ऑन द बेड सब हो गया सीन पूरा हो गया एंड में वो था कि वो जाके लेटती हैं वापस और वो अपना लाइन बोलती हैं अदिति को मेरे को पंच नहीं मिल रहा था सीन का एंडिंग नहीं मिल रहा था एंड सडनली मी एंड सम ऑफ माई एडीज वी वर डिस्कसिंग और क्या होता है बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आइडियाज ना कभी कभी सिर्फ आपसे नहीं आते हैं कभी कभी एक डिस्कशन होती है और उसमें कुछ चीज़ें आती हैं किसी ने कुछ बोला उससे आपके दिमाग में कुछ स्पार्क हो जाता है सो so, डिस्कस करते करते हुआ कि अरे वाई नॉट वी यूज ज्वेलरी एज शी इज लाइंग डाउन आई सेट वेरी गुड तो वो ले और वो उसको अपनी आँखों पर रखती हैं तो मेरा उसमें था कि शी ओनली सीज मनी तो आँखें बंद कर कर भी उनको सिर्फ अपना पैसा और अपनी पावर दिखती है एंड आई थिंक वो काफ़ी सराहा गया है पीपल आई लाइक दैट शॉर्ट ए लॉट सो या मनीषा मैम सुपरस्टार हैं मतलब uh, मुझसे ज़्यादा तो माई हजबेंड इज अवज फैन ऑफ मनीषा कोयराला तो वैन ई गॉट टू नो आई एम वर्किंग विद हर यूज दे करे यार उनको मेरी तरफ से हेलो बोल देना उनको बता देना मैं उनका कितना बड़ा फ़ैन हूँ मैंने कहा तुम नहीं तुम्हारे जनरेशन के हर इंसान मैम के बहुत बड़े फ़ैन हैं बट द फैक्ट इज़ इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद भी वो इतनी ग्राउंडेड हैं इतनी हम्बल हैं वो आती हैं सेट पर अभी भी लगता है कि एक फर्स्ट टाइमर आया है उनमें जो एंथुजियाजम है वो एकदम बच्चे की तरह हैं वो इतने प्यार के साथ और इतने हंस के घुल मिल के सबके साथ रहती हैं वो स्टार वाली एक बात ही नहीं है उनमें शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स आई थिंक दैट आई मेट इन द इंडस्ट्री फीमेल फिल्म मेकर्स कम है मेरे को लगता है क्योंकि देश में फीमेल्स ही बहुत कम है जो अगर आप सेक्स रेशियो देखने जाओगे तो आई थिंक देर वर अबाउट एज पर द लास्ट कंसेंसस जो दस साल पहले हुआ है नाइन सिक्सटी और नाइन फोर्टी वेमन टू अ थाउजेंड मैन तो वो एक बहुत ही अलग और सीरियस इशू है बट हैविंग सेड दे जोया अख्तर जो मेरी फेवरेट डरेक्टर हैं किरण राव uh, पायल कपाड़िया अब तो मतलब बहुत फ़ीमेल फिल्म मेकर्स आ रही हैं बट द प्रॉब्लम इज़ की हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि बहुत सालों तक फीमेल फिल्म मेकर रही नहीं हैं तो एक माइंड कंडीशन ऐसे हो गया आज तक कि हम लोग बोलते हैं कि फीमेल फिल्म मेकर्स नहीं है नहीं हैं बट जबकि देट इज़ चेंजिंग इट्स चेंजिंग फॉर द बेटर And uh, filmmaker is not just a director, even your DOP, your production designers, your sound uh, operators, they're all filmmakers. So, uh, for one of my films, actually, my next film, my DOP is a woman, my production designer is a woman, my makeup artist is a woman. Uh, I think, except my costume designer, most of my HODs are going to be women. And that's my little uh, input in trying to get as many women into the

हीरा मंडी ऑब्वियसली बिकॉज देर इज अ संजय लीला भंसाली ही इज अ ब्रांड दैट ही इज इट वॉज हिज विजन बट एज अ फिल्म मेकर ही ऑल्सो रिस्पेक्ट्स द फैक्ट दैट देर इज नाट द डायरेक्टर हु ऑल्सो हैज देर ओन इंटेलिजेंसो हैज हु हैव देर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स सो वहाँ पर भी क्या होता है मेरे को लगता है सर के साथ होता है कि आप एक डिस्कशन करते हो उनके साथ एंड देन यू एंड अप

सनकी होते हैं और इंट्रोवर्ट uh, होते हैं ये ऐसा मतलब एक, एक हमने इमेज बनाया हुआ है आई थिंक फिल्म मेकर्स के लिए एंड व वेरी डिफ़िकल्ट डायरेक्टर्स के लिए जो ऐसा होता नहीं है आई एम अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन आई एम वेरी फन लविंग आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड कोलाबरेटिव नहीं होते हैं ये भी बहुत लोग सोचते हैं जबकि मैंने जितने डायरेक्टर्स के साथ काम किए हैं वो सब बहुत कोलाबरेटिव रहे हैं और वो सिर्फ डायरेक्टर के लिए नहीं होता है आई थिंक हर आर्टिस्ट को वो स्पेस चाहिए होता है पेंटर को भी वो स्पेस चाहिए होता है राइटर को भी वो स्पेस चाहिए होता है एक्टर को भी वो स्पेस चाहिए होता है यू वॉन्ट टू बी समाइम्स बी अलोन विद योर थाट्स राइट कभी कभी होता है कि यू वॉन्ट टू गो इन यू वॉन्ट टू डिग डीप इन टू सम पार्ट ऑफ यू सम कॉन्शियस सम पार्ट ऑफ योर सोल विच यू रियली नीड टू बी जस्ट बायर सेल्फ टू गो दैट डीप इन योर सेल्फ बट दट फॉर एवरी आर्टिस्ट नॉट फॉर डायरेक्टर्स ओनली हीरा मंडी नहीं मेरा फनीस्ट जो मेरी मेमरी सबसे अच्छी है मेरे एक्टर के साथ दैट इज़ शबाना आज़मी जी फैब्युलस एक्टर फैब्यूलस ह्यूमन बींग और आई थिंक मेरी बहुत खुशकस्मती थी कि मैंने अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही उनको डायरेक्ट किया आई थिंक आई एम रियली रियली ब्लेस्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स तो मेमरी शबाना मैम के साथ जितनी है वो हैं बहुत बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो शबाना मैम के साथ काम करते हैं उनको उनके घर जाने का मौका मिलता है और वहाँ जावेद सर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है माई मोस्ट ब्यूटिफुल मेमरीज एज अ डायरेक्टर आर एक्चुअली द स्टोरीज आई हर्ड फ्रॉम जावेद साहब द लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम जावेद साहब सो यह एक्टर के साथ बहुत सारी चीज़ें अलग भी होती है ना कुछ मेमरीज आगे उनके इर्द गिर्द भी होती हैं सबसे पहले तो आई थिंक हम कम बहुत कम क्रेडिट देते हैं हमारी प्रोडक्शन टीम्स को काफ़ी चीज़ें सेट पे होती हैं जो एक डायरेक्टर तक आती ही नहीं है वो प्रोडक्शन टीम उसको पहले ही सॉर्ट कर लेती है जो दिक्कतें होती हैं तो हम तक आती ही नहीं हैं हम लोग का तो काम है जाओ खुशी खुशी एक माहौल मिलता है सब कुछ आपके यू हैव वॉट एव यू वॉन्ट यू हैव ब्रिलियंटक्टर्स यू हैव द बेस्ट एच ओ डी वर्किंग विद एंड जाके आप काम करो तो मेरे से आपको सिर्फ अच्छी कहानियाँ ही सुनने को मिलेंगी क्योंकि जो बुरा हो जो जो भी टेंशन वाली चीज़ें होती है वो एक प्रोडक्शन ऑलरेडी हैंडल करके बैठा हुआ होता है मेरा प्रोसेस सेट से बहुत पहले शुरू हो जाता है मेरा प्रोसेस जब मेरे एक्चुअली कभी कभी तो मैं खुद भी स्क्रिप्ट पर काम करती हूँ तो प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है आप कुछ पढ़ते हो फिर आप उस पर रिसर्च करते हो देन यू स्टार्ट लिविंग दैट वर्ल्ड देन यू स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर तो टेक्निकल uh, प्रोसेस बहुत बाद में आता है टेक्निकल प्रोसेस सेट पे जाने के बाद आता है उसके पहले मेरा प्रोसेस होता है कैरेक्टर्स को समझना कैरेक्टर्स की तरह सोचना उनके वर्ल्ड में जाना एंड आई फील अगर मैं वो रिलेशनशिप समझ जाऊँ तो मेरे लिए एज अ डायरेक्टर मेरा काम बहुत आसान हो जाता है फिर उसके बाद एच जो मैं आपके डी होते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर होते हैं दे ऑल कम टुगेदर टू एग्जीक्यूट योर विजन एंड दे ऑल डू अ ब्रिलियंट जॉब विद दैट एक्चुअली जो सबसे फनी है ना मैंने उनके साथ मैंने उनको डायरेक्ट नहीं किया जो मुझे पता है सबसे ज़्यादा फनी है वो है रिचा चड्डा शी इज आई थिंक बिकॉज शी इज सो इंटेलिजेंट ऑल्सो शी इज सुपर फनी एंड सोनाक्षी इज़ अ लॉट ऑफ फन शी इज़ द मोस्ट ईजी ब्रिजी एक्टर ह्यूमन बींग आई हैव वर्क विद फनी हम सबसे ज़्यादा इंद्रेश मलिक हैं जो उस्ताद जी हैं हमारे शो में वो इतने फ़नी हैं उन्होंने एक्चुअली एक इंटरव्यू में बोला भी था वो और शारबिन बैठ के ना सब्जियों से बातें करते थे वो मतलब बोलते थे कि शिमला मिर्च ऐसी होती है हरी वाली ऐसी होती है पीली वाली एंड आई यू टू सिट इट लिसन ऑन माई मोनिटाइजर कि इतना सीरियस सीन चल रहा है वो किसी को मारने वाली है और आप उसको शिमला मिर्च की बातें आप दोनों कर 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 रहे हो हो गया रहा है बट दैट वॉज अ वे ऑफ जस्ट ईजिंग द मोमेंट एंड ऑल सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नहीं आई थिंक हीरा मंडी इवन एनी फिल्म आई थिंक दैट आई हैव वर्कड ऑन ये ना बहुत एक परसेप्शन बनाया जाता है दैट औरतें हैं तो लड़ेंगी मुझे बहुत दिक्कत है एक्चुअली इस बात से कि दो औरतें होंगी तो वो लड़ाई करेंगी ये बहुत ही गलत और बहुत ही पुराना वे ऑफ थिंकिंग है वुमेन कैन बी फ्रेंड्स वेमेन एक्चुअली आर नाउ प्रोपिंग ईच अप एंड दैट वाज द केस इन हीरा मंडी ऑल्सो देवर डेज व्हेन यू नो लाइक शारमिन और अदिति का सीन हो रहा है सो so, uh, अदिति ने शारमिन के बाल ठीक कर दिए एक सीन हो रहा है जहाँ पे मनीषा मैम और शारमिन है और ब्लाउज का कुछ प्रॉब्लम है तो शारमिन पहले एडी हुआ करती थी तो किसी से हो नहीं रहा था कॉस्ट्यूम वाले से तो शी वेंट इन उसने जाके सिलना शुरू कर दिया उनका ब्लाउज सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी इट वॉज अ फैमिली और फैमिली uh, में ना ये पुलिंग ईच अदर डाउन होता नहीं है तो वी वर अ वेरी वेरी हैप्पी सेट वेन आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आई कैन टेल यू देर डायरेक्टर्स वो आई रियली विश टू वर्क विद वॉज जोया अख्तर करण जौहर एंड विशाल भारद्वाज आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद दैम मे बी इफ दे आर कभी शो रनर्स वो लोग क्रिएट करते हैं मैं उनके अब तो प्रोड्यूसर्स भी हैं वो लोग तो वो प्रोड्यूस करें मैं उनके लिए डायरेक्ट करूँगी पहले एक्टर तो वो हैं जिनके लिए मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ वो है शाहरुख खान आई लव शाहरुख खान मैं हमेशा बोलती थी कि जिस दिन मैंने शाहरुख खान को डायरेक्ट किया मैं उस दिन शायद रिटायरमेंट ले लूँगी क्योंकि मेरा सपना पूरा हो जाएगा तो वन वुड बी शाहरुख खान रणबीर कपूर एंड रणबीर सिंह नेवर स्टॉप ड्रीमिंग दैट इज वन एंड सेकेंडली डोंट जस्ट ड्रीम इट मेक इट ये मेरा कहा हुआ नहीं है ये मिस्टर स्टीवन पीलबर्ग का कहा हुआ है वो बोलते हैं कि सिर्फ सपने देखो मत अपने सपनों को हकीकत बनाओ अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे कभी आप हिट करोगे कभी आप मिस करोगे सपने देखे ही इसलिए जाते हैं कि आप उनको सच कर सको सो जस्ट डोंट गिव अप And uh, anything that will pull you down, make it your strength and move on and move forward with that.